ये कहूँगा कि सारे जो सोसाइटी के लोग हैं, यंग एंड ओल्ड, सबको इकट्ठे मिलके इस लड़ाई जो पैंडेमिक है इससे लड़ना है, और इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब अगर लोग इकट्ठे मिलके एक ये प्रतिज्ञा लेने कि हम इस पैंडेमिक से लड़ेंगे, और जो जो मेजर्स प्रिवेंशन के लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे, तो हम इस पैंडेमिक को रोक पाएंगे और ज़्यादा केसेस ना होने देंगे। उसमें तीन चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये ज़रूरी है कि हम पैनिक ना करें, डोंट गो बाय र्यूमर्स, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट्स, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, उसको फॉलो करें। दूसरा ये है कि आप रेगुलर अपने आप को क्राउडेड एरिया से जाने के लिए ना जाएं, अवॉइड ऑल नॉन इमरजेंसी ट्रैवल गोइंग टू प्लेसेस जहाँ पे क्राउड है। तीसरा ये कि रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि हम अगर बाहर जाते हैं किसी चीज़ को टच करते हैं तो वायरस आपके हाथ में आने का डर रहता है। आप रेगुलरली चाहे सोप वाटर से, साबुन से और पानी से ही हाथ धोएं, और हाथ अच्छी तरह से धोएं, हथेलियों पे ही नहीं, पीछे वाले हिस्से में भी, उंगलियों के बीच वाले हिस्से में भी, और नाखून और अंगूठे सब पे साबुन लगा के उसको अच्छी तरह से धोएं। और अगर खांसी है तो अपनी खांसी को ढकें, बाजू के अंदर खांसें या टिश्यू या रुमाल यूज़ करें, जिससे खांसने से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो ज़्यादा दूर ना आ जाए। ये हमें प्रिकॉशन रखने हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग जो हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी कहीं जगह जाते हैं तो थोड़ा दूर रहें किसी से, 1-1.5 मीटर का फासला रखें, जिससे इन्फेक्शन आगे ना फैले। और अगर हम सब लोग एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मिलके ये सब करेंगे तो हम इस चेन ऑफ स्प्रेड को रोक पाएंगे, और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना इस सब के भी ये हम वायरस को कंट्रोल करके इसको ख़त्म कर पाएंगे।